सुनते हो, आज मुन्नी का वैक्सीनेशन है, डॉक्टर के पास जाना है। सुनो, मेरे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, तुम मम्मी के साथ चली जाना। ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मुन्नी 4 महीने की हो चली है, तो क्यों ना मैं भी काम पे जाना शुरू कर दूं। देखो, तुम इस बारे में मम्मी से ही बात कर लो ना, मैं चलता हूँ। मम्मी जी, आज हॉस्पिटल जाना है। मैं ये सोच रही थी कि फिर से जॉब जाना शुरू कर दूं। बाबू, अभी तो मम्मी बहुत छोटी है, और तुझे काम पर जाने की जरूरत ही क्या है? अभी आपने देखा इस भाग में ना पति ना उसकी सासू कोई भी इस लड़की का या इस माँ का दर्द समझ सका। ना पति ने समझा ना समझा पर मार भी छोड़ दिया इस अगला नारी को बीच बाजार में। किस्मत उसकी ले आई डॉक्टर साहब के बाद, क्या कर पाएंगे डॉक्टर साहब उसकी समस्या का आधार? आपका बच्चा ठीक है? वजन भी सही है, वैक्सीन भी दे दिया है। डॉक्टर साहब, आप भी अभी इसे समझाइए ना, अभी तो मुन्नी सिर्फ 4 महीने की है और ये काम पे जाने की बात कर रही है। बिल्कुल जा सकती है, माँ स्वस्थ है, बच्ची भी स्वस्थ है, तो फिर दिक्कत क्या है? वैसे आप काम कहाँ करते हो? मैं मणिपाल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। देखिए, अगर आपके हॉस्पिटल में क्रेच की सुविधा है तो आप बच्चे को वहां पर 2 से 3 घंटे में जाकर स्तनपान कर सकती हो, और अगर मुन्नी के साथ न ले जाएगा तो हर 3 घंटे में जाके दूध निकालकर स्टील के डब्बों में फ्रिज में रख दे, रेफ्रिजरेटर के ऊपरी हिस्से जिसे फ्रीजर कहते हैं, फिर वही दूध आइस पैक में डालकर आप घर ले जाए। यही दूध अगले दिन आपके गैरहाजिरी में आपकी सासू माँ बच्चे को पिला देगी और बच्चे को माँ के दूध का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें एक और चीज है, इससे आपका सीना नियमित रूप से खाली भी होता रहेगा और आपको गांठ होने की संभावना भी कम हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे हॉस्पिटल में क्रेश और ब्रेस्ट फीडिंग रूम जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इस गांव में आपने देखा कि माँ अभी काम करते हुए भी बच्चे को
स्तनपान कर सकती है और अपना घर निकाल सकती है। Tick, 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 tick.